हरि ओम, मैं रीना ढाक से इंदौर पलासा केंद्र से हूँ। इंदौर में मैं कुक हूँ। मैं एक दिन है ना एक मल्टी में काम करती थी, तो एक आंटी ने मुझे बुलाया, तो वो रुशाली मीरा जो बापू से जुड़े हैं, तो मैंने उनके घर गई। उनने मुझे बुलाया कि आपको मेरे यहाँ खाना बनाना है, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तो क्या बनाना है? तो बोले नहीं, मैं खाली बस रोटी बनवाती हूँ, तो मैं खाली रोटी नहीं बनाती, पूरा खाना बनाती हूँ, ऐसा बोला। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ। फिर दूसरी बार मुझे एक बर्तन वाली ने बोला कि आपको बुलाया था तो आप गए क्यों नहीं? तो मैंने बोला कि नहीं, उनको खाली सिर्फ रोटी बनवाना है, मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं पूरा खाना बनाती हूँ। तो बोले नहीं नहीं आप एक बार बात करके आओ, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे व्यवहार में हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर गई उनके यहाँ, तो उनने बोला कि क्या हुआ? मैंने बोला आपने बोला था ना काम का, तो मुझे काम चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है, खाली रोटी बनाना है, एक टाइम को आना है ना, ठीक है। फिर उनके यहाँ मैं जाती रही, तो वो हमेशा बापू की पूजा करते थे, तो मुझे लगता था उनके सास ससुर उनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता। तो उनकी फ़ोटो में हर रोज़ देखूँ, तो मैं उनसे पूछा आप ये किन की पूजा करते हो? बोले ये मेरे आई बापू है। तो मेरे को लगा आई बापू मम्मी पापा, तो बोले कि नहीं नहीं मम्मी पापा नहीं, मेरे गुरुजी है। और मैंने बोला क्यों पूजा करते हो रोज़, ये आपको कुछ देते हैं? तो बोले कुछ नहीं देते हैं, लेकिन सब कुछ यही है मेरे, ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो जो भी परेशानी हो ना तो बोलना। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे मतलब फ़ोटो के सामने कुछ बोलेंगे तो थोड़ी कुछ होएगा, ऐसे सोच के मैं चल दी। तो बोले फिर वो रोज़ मुझे, मैंने सोचा कि इतने बड़े घर आने से है ये, फिर क्यों रोज़ ऐसे पूजा करते गुरु जी की, कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये बापू आपके है तो मेरी बात मानेंगे? तो बोले हाँ ज़रूर मानेंगे ना, क्यों नहीं बापू से बात करके देखना। तो बोले ठीक है ना भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो बोले तू बापू से बोल के देख, हो सकता माने, और ज़रूर मानेंगे, बापू अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो बोले हाँ ठीक है। तो उन्हें बोला, और फिर मैं हमेशा उन बोल के जाती थी। फिर बोले तू उपासना में आया कर। तो मैंने बोला भाभी मेरे पास उस टाइम नहीं है कि मैं उपासना में आ सकूँ। बोले एक दो बार आके देख। तो मैंने हाँ ठीक है। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं 7 बजे, क्योंकि मैं 7 बजे तक, मैं 6 बजे घर चले जाती थी, मैं 7 बजे मैं घर नहीं मतलब जा सकती थी, मैं छोटे छोटे बच्चे थे। तो बोले हाँ ठीक है, फिर भी तू आके देख। मैंने आके देखा, तो मैंने बोला कि हे बापू मेरे पास काम नहीं है, तो मेरे को काम बताओ, दिलाओ, नहीं तो मैं मेरा घर कैसे चलेगा, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब उन्होंने सुना अंदर से, मेरे दिल की आवाज़ सुनी, तो उनने मुझे दूसरे ही दिन काम दिलाया, उनके यहाँ भी मिल गया सारे। लेकिन बापू भक्त में जुड़े थे, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इतना बापू को मानते हैं, क्या मिलता है बापू से ऐसे। लेकिन मैं तो बापू पे यकीन ही नहीं करती थी, लेकिन मुझे बहुत सारा मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इतनी आगे बढ़ सकती हूँ बापू की कृपा से। और मेरे को बहुत सारा काम मिल गया और मैं बहुत करने लगी। फिर मैंने बापू से बोला, बापू मैं बहुत बेघर हूँ, मेरे को रहने के लिए घर चाहिए। उनने मुझे मेरे 2 साल के अंदर अंदर मतलब मैं 3,000 किराया नहीं दे पाती थी मैंने कहा, और उनने मुझे 12 लाख का मकान दिलवा दिया, मतलब 2 साल के अंदर अंदर। मतलब मेरे बापू मेरे लिए बहुत कुछ है, और मैं बापू से ऐसी जुड़ी हूँ कि आज तक मैं मतलब जो मैंने सोचा नहीं था वो भी मेरे साथ हुआ है, मतलब बहुत ऊपर हो गई। आज पहले मैं 600 रुपये के 500 रुपये के लिए काम के लिए करती थी, और आज मैं 15,000 का काम करती हूँ। और मैं बहुत मतलब बापू की आभारी हूँ कि मुझे बापू मिले, और मैं हमेशा रहूँगी, और मेरे साथ रहते हैं, और बापू मतलब बहुत प्रिय है मेरे, पापा है, मम्मी है। जब भी मैं सुख दुख में बात करती हूँ ना, तो मैं उनसे ही करती हूँ, और मैं उनको जब भी बोलती हूँ ना, वो मेरे दिल की बात सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, छोटी छोटी बात भी सुनते हैं, मेरे हर
हर टाइम पे मेरे साथ में रहते, हर टाइम पे मेरे साथ में रहते। मैं अगर लेट हो रही हूँ तो बोलती हूँ कि आप संभालना, तो वो ज़रूर संभालते हैं मुझे। जब भी कुछ मेरे ऊपर आभार्य होता है तो वो मेरे पूरे आभार्य को खुद के ऊपर ले लेते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं से मुझे बचाना है। तो इसलिए आई लव यू माई डैड अम्बद नाथ समेत।